देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच एक राहत भरी खबर है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक दिन में 1,00,000 टेस्ट करने में सफलता हासिल कर ली है। इससे पहले ICMR ने सोमवार को कहा कि प्रवासी और लौटने वाले लोगों में अगर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके 7 दिन के भीतर उनका कोरोना वायरस के लिए जांच की जाएगी। साथ ही अस्पतालों में भर्ती किसी भी रोगी को और COVID-19 की रोकथाम और नियंत्रण में लगे फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोगों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिखने पर उनकी भी RT-PCR जांच होगी। इसके अलावा किसी संक्रमित मामले के सीधे संपर्क में और अत्यंत जोखिम में रहने वाले ऐसे लोग जिनमें लक्षण नहीं है उनकी संपर्क में आने के 5वें और 10वें दिन के बीच एक बार संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। अभी तक ऐसे मामलों में 5वें और 14वें दिन के बीच एक बार जांच की जा रही है। ICMR ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नई रणनीति का उद्देश्य संक्रमण को और प्रभावी तरीके से फैलने से रोकना है। पहले क्या थे नियम? अभी तक दिशा निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट या नियंत्रण क्षेत्रों में रह रहे ILI के लक्षण वाले लोगों, SARI रोगियों और ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों जिनमें लक्षण दिख रहे हों उनकी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जांच की जा रही है। पिछले 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे लोगों जिनमें लक्षण नहीं है तथा संक्रमित लोगों के संपर्क में आ रहे लक्षण वाले लोगों की जांच की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।